हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगा कि आपकी तबीयत ठीक है, अगरचे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नहीं आने के बाद भी पता चलता है कि कहीं ज्यादा पैसा मिला होगा, इसलिए मौलाना भाग गए। जमानत बचाने के लिए हाजिर हूँ। अरे तो जमानत इतनी टूट गई है कि मैं खुद परेशान हूँ कि बगैर जुर्म के हथकड़ी लगाने पर तैयारियां हो रही है। सब बचते बचाते कैसे चल रहे हैं। चाय पिलाई, ये मेरी जिंदगी का अजब हादसा था। जब मैं बैठा था हमको पीना चाहिए, हाँ उधर ही बहुत शानदार महफिल, साहब खाना अली जनाब जमाल साहब और कमाल साहब और इनके खानदान के नौजवानों ने मिलजुल कर ये प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। आइए सबसे पहले हम और आप मुश्तरका दुआ करें। इस खानदान की जितने भी मरहूमीन पर्दा फरमा गए, अल्लाह ताला उनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को मगफरत अता फरमाए और उन्हें जन्नत करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम सामईन को बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलने की तौफीक दे। सूफी बसफा अलहाज नूर मोहम्मद साहब के भी मैं नाम भूल गया था, बाद में क्लास लेने लगते तो परेशानी बढ़ जाती, इनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। छोड़िए ना भैया, एक काम कीजिए, बल्कि चाय ही पिला लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। खिलाए हैं तो आप इस कदर सुभान अल्लाह को आवाज दब गई है, चाय पिला कर लगता है कि आप सलाद दिए। बबलू भाई के दे दिए, इन्हीं के साउंड के सेटिंग से हम लोग की जिंदगी बहाल हो रही है। आइए सुनने सुनाने से कबल पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरत प्रोग्राम की क्यादत फरमाने वाले आपके खतीब इमाम हजरत अल्लाह मौलाना दाऊद साहब, मैं इसीलिए बोलता हूँ जो क्यादत करने वाले हों कम से कम सामने रहा करे तो हम लोग को कुछ याद ख्याल रहे। हर महाज पे बेचारे याद करते हैं, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम दायम रखे। हो गया बाबू भाई, तेजी कीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब वहाँ आप दीजिए। अच्छा मैं पहले चंद मिसरे पढ़कर टेस्ट करता हूँ अपनी आवाज अपनी तबीयत और आपके सुभान अल्लाह के भी मैं देखूं कि आपकी तरफ भी आवाज बुलंद है या मेरी आवाज कमजोर है। मैं नजर कर रहा हूँ चंद मिसरे मुलाजा सरजमीने अरब पर तो चलिए, वाह वाह। बिल्कुल समझिए कि ये जो दीवार की तरफ बैठे हैं कम तादाद में, देखिए आवाज इनकी भारी है आपसे, आपकी तादाद से क्या फर्क। देखिएगा सरजमीने अरब पर तो चलिए, आप चुप रहे हैं। पहले इनका देख ले, सबको मैं शहर अरब ले चल रहा हूं। सरजमीने अरब पर तो चलिए, अब आप आइए। सरजमीने अरब पर तो चलिए, एक से नहीं भी मिल्लत, इन दोनों बुजुर्गों के हवाले मैं मतला दे रहा हूँ। शायद तबीब आलम तबीब नकीब अहले सुन्नत के दरमियान इस कलाम का पहली बार पढ़ रहा हूँ, देखते हैं मुलाजा फरमाइए। सरजमीने अरब पे तो चलिए, क्या
अब सुनिए, जब मैं बंद हो जाऊं पूरे आशिकान नबी हाथ को लहरा कर बोलेंगे, जब मेरा हाथ बंद हो सुभान अल्लाह, राजा फरमाइए काली कमली को ओहे हुए ओ। और थोड़ी आवाज बंद कीजिए, हाथ को बंद कीजिए, पूरा मजमा काली कमली को ओहे हुए को हुए जलवा कर हो के रोते आया काली कमले को हुए सुनिए एक शेर में नजर कर रहा हूं मुलाजा फरमाइए। और आजकल एक अभियान मस्जिद की दीवार तैयार नहीं है, हम मीनार बनाने के लिए एक से एक बाबा गांव में घुस घुस कर वहां पहुंच कर लोगों से चंदा कर रहे हैं, और उसी में दो चार मौलवी लोग तायद कर रहे हैं कि ये बाबा पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हैं तब मौलाना हनीफ साहब बोलते हैं खलीफा ने, बोले पहुंचे होंगे जन्नत में, तो नहीं डायरेक्ट जहन्नम में पहुंचे होंगे। बोला कि हजरत आप नमाज नहीं पढ़ते? कहा कि बेवकूफ हो, मैं खाने काबा नमाज पढ़ता हूं। कहा कि तुम मीनार कहां कीजिएगा? बोले कि नहीं, दूर से बराती लोग जब आएंगे बरात लेकर तो दूर से ही जानेंगे कि मुसलमान के गांव यही है, यानी देखने के लिए और बराती लोग के आसानी से पहुंचने के लिए मीनार बनवाने के लिए ठीक है। एक शेर मैं नज़ कर रहा हूं, अगर बात अगर सच्ची है और आप तक अगर बात पहुंच रही है तो पूरा मजमा हाथ को लहरा कर बोलेगा, जब मैं इशारा करूं सुभान अल्लाह, फरमाइए सच 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 क्या है रसूले खुदा। थोड़ी सी और जिंदगी पैदा कीजिए, सच क्या है रसूले खुदा
عرب پر تو چلیے اس لکما اللہ صلی اللہ سیدنا سفینا حیبنا مولانا سلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ ایک مطلب کچھ اشعار میں نظر کر رہا ہوں لیکن جمال بھائی کمال بھائی کہاں ہے ہے یہاں پہ ہے لیکن بعد میں شکایت ہوتی ہے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جکرے میلیا پوا پکاوے اکل دھیا لل چاہیے جو آدمی اتنا شاندار پروگرام کرا رہا ہے وہ آدمی سنے نہیں تو صبح میں ریزلٹ ہوتا بولے کہ آپ سنے فلاں کے ہم نہیں جانتے ہیں سب سمجھٹ میں ادھر ہم کھلا پلا اچھا علی جناب امت رسول صاحب نہیں ان کا تو تذکرہ ہی رہا تھا میں سوچا کہ عمر کے حساب سے تذکرہ کرا ہاں سب حساب کتاب یہاں نہیں پورا ہندوستان کے حساب ہے کہ جی ایس ٹی کیوں لاگو ہوا فلاں کیا ہوا سیاست کی دنیا میں قیادت بھی کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی اچھی رہنمائی ہوتی ہے ایک ذرا اپنے اپنے ماں باپ کے نام پر ہاتھ کو لہرا کر چل کر بول دے سبحان اللہ پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ آگے والے سے کام چل رہا ہے لیکن آپ بھی اسی میں شامل ہیں اب میں چند منٹ کر ملاحظہ فرمائیے